तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। यूपीटेट 2018 का फॉर्म आप फिल करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आपके फॉर्म को गलत कर सकती हैं। और आपका फॉर्म अगर एक बार सेव हो गया तो उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर लिखा है आपके फॉर्म के स्टार्ट होने से पहले ही कि आपको ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरना है, सभी प्रविष्टियों को अच्छे से चेक कर लेना है और सेव होने के बाद कोई भी चेंज नहीं, कोई भी संशोधन देय नहीं होगा। तो ये क्लियर पहले ही आयोग के द्वारा कर दिया गया है। और अगर आप गलती करते हैं फॉर्म में तो वो फॉर्म आपको दोबारा से भरना पड़ेगा और जो फी है वो भी आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी। तो छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इसी वजह से ये वीडियो बनाया गया है, जिससे कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप इन गलतियों को ना करें। स्पेशली फ़ोटो को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि अभ्यर्थियों ने जल्दी जल्दी में सिर्फ फ़ोटो अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर करना भूल गए हैं, जबकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि फ़ोटो के साथ सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं और कैसे करने हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ये नॉलेज सब तक पहुँच सके, सब लोग अपना फॉर्म अच्छे से भर सकें। और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको फॉर्म दे रखा है। तो फॉर्म में सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है जनपद जहाँ से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो आप जिस जगह से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत से शहर दे रखे हैं यूपी के, जहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक शहर आपको चुनना है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, तो अपना नाम आपको यहाँ फिल करना है, माता का नाम फिल करना है, पिता का नाम फिल करना है। तो बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा, वही नेम लिखिएगा जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में दिया हुआ हो। ग्रह जनपद का नाम व पता, तो ग्रह जनपद का नाम आपको जहाँ आप रहते हैं उस जगह का अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। थाना भी लिखना है, जो आपके एरिया में थाना होगा, पुलिस चौकी होगी, जो थाना होगा, किस थाने के अंतर्गत आपका एरिया आता है वह भी आपको लिखना है और पिन कोड भी आपको लिखना है। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, तो वही सब चीज़ आपको जहाँ पर आपका पत्र व्यवहार हो सके एड्रेस लिखना है आपको। टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन है तो टेलीफोन का नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिए। और मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है आपको ज़रूर फिल करना है, क्योंकि आपके पास एक मैसेज आएगा, वेरीफाई मैसेज, उसके बाद ही आपको एक ओटीपी मिलेगा, उसके बाद ही ये फॉर्म आगे के लिए प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है विवाहित महिला अभ्यर्थी के पति का नाम, अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने पति का नाम भी इस कॉलम में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म तिथि, आपकी जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि दी गई है वो आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद लिंग, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको लिंग बताना है, अपना वर्ग बताना है, किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, जनरल एससी एसटी या ओबीसी। तो ये चीज़ें सिंपल हैं, आप आराम से भर लेंगे। अगर विकलांग हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है और नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। अगर विकलांग हैं तो कितने प्रतिशत हैं तो वो भरना है। फिर विशेष आरक्षण, तो आपके पास आरक्षण है यानी कि आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं या एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो उसके लिए विशेष आरक्षण पे आपको बताना है कि आप इन दोनों में से क्या हैं। आवेदित स्तर, किस स्तर का भरना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर हेतु या उच्च प्राथमिक स्तर हेतु।
अगर आप प्राथमिक स्तर हेतु भरना चाहते हैं तो प्राथमिक पर क्लिक करें, और अगर उच्च प्राथमिक स्तर भरना चाहते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर हेतु पर क्लिक करें। और अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो आपको दो बार फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, दोनों बार अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोनों फॉर्म का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो पहले आपको प्राथमिक स्तर हेतु करना पड़ेगा और दूसरी बार में आपको उच्च प्राथमिक स्तर हेतु फॉर्म फिल करना होगा। और चाहे तो आप उच्च प्राथमिक स्तर हेतु पहले कर दीजिए या प्राथमिक स्तर हेतु पहले कर दीजिए, किसी भी क्रम में आपको अलग अलग फॉर्म ही फिल करने हैं। नेक्स्ट विषय वर्ग आपको बताना है कि आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, तो साइंस वाले साइंस को भरेंगे और कॉमर्स और आर्ट्स वाले आर्ट्स को फिल करेंगे। देन भाषा प्रथम हिंदी है सबके लिए कंपलसरी, भाषा द्वितीय में आपको चुनना है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक भाषा को। इंग्लिश अगर आपको चुनना है, इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, उर्दू का देना है या संस्कृत का देना है, ये आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता, यानी कि आपने क्या योग्यता प्राप्त की है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सब लोगों के लिए, तो आपके सब दे रखे हैं डीएड, विशिष्ट बीटीसी, 2 वर्षीय बीटीसी। तो अगर आपने बीएड किया है, स्पेशली बीएड वालों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि उनको क्या भरना है, चाहे आपने 1 साल का बीएड किया हो या 2 साल का, आपको ऑप्शन 13 ही चूज़ करना है। बीएड शिक्षा शास्त्र में स्नातक यूजीसी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से, चाहे आपने 1 साल का किया हो बीएड या 2 साल का, आपको ऑप्शन 13 ही चूज़ करना है। प्रशिक्षण योग्यता की स्थिति आपको बतानी है, अगर आपने पास कर लिया है फाइनल ईयर तो आपको पास पे क्लिक करना है, और आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो आपको अपीयरिंग इन फाइनल ईयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण भरना है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परा स्नातक, तो जो जो आपकी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। हाई स्कूल तो ये से कुछ कॉलम सिंपल हैं, पर जहाँ कंफ्यूजन है वो है प्रमाण पत्र क्रमांक और अंक पत्र क्रमांक। तो यहाँ पर आप बोर्ड फिल कर देंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष फिल कर देंगे, अनुक्रमांक फिल कर देंगे। अब प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या परा स्नातक का, तो वहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर में प्रमाण पत्र क्रमांक दे रखा होगा, ऊपर लिखा भी होगा प्रमाण पत्र क्रमांक और नीचे क्रमांक लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अंक पत्र क्रमांक क्या होता है, जो आपकी मार्कशीट होती है जिस पर आपके नंबर लिख रहे होते हैं, जिस पर अंक लिख रहे होते हैं, वो आपकी जो मार्कशीट है उस पर भी आपको एक सीरियल नंबर दे रखा होगा, अंक पत्र क्रमांक जो आपका सीरियल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर इन कॉलम्स में फिल करना है। तो ये सभी में होगा, अगर आपके पास किसी भी डिग्री का यानी कि स्नातक या परा स्नातक का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप वहाँ पर NA लिख सकते हैं, NA लिख सकते हैं अगर आपके पास प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोटो पहचान पत्र का प्रकार। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। तो इन तीनों में से आप किसी का भी नंबर लिख सकते हैं। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो नया ऑप्शन जुड़ा है, तो आपके पास वोटर आईडी है तो उसका भी नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न है वोटर आईडी को लेकर, क्योंकि बहुत से वोटर अभ्यर्थियों के वोटर आईडी में किसी का जन्मतिथि गलत है या किसी का एड्रेस गलत है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, जो ये फ़ोटो पहचान पत्र है वो इसलिए होता है कि आप उसको दिखाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकें, और वही फ़ोटो पहचान पत्र एग्ज़ामिनर के पास भी होगा, उसका फोटोकॉपी, वो उससे मिलान करेगा, अगर वो मैच करता होगा तो आप एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे, एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो ये इसी वजह से फ़ोटो पहचान पत्र आपका मांगा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो आप वोटर आईडी है, अगर आपकी छोटी मोटी गलतियाँ हैं डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को लेकर, तो आप को टेंशन ना लें, आप उसका नंबर ज़रूर लिखें।
फोटो पहचान पत्र संख्या आपको फिल कर देनी है जो भी आप चूज करते हैं। उसके बाद है अपनी फोटो अपलोड करें, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। चूज फाइल में जाना है और ब्राउज में जाके आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, फ़ोटो के साथ सिग्नेचर भी होने चाहिए। और फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर ना करें, फ़ोटो के नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। यानी कि आप कैसे करना है, एक पेपर लीजिए प्लेन और उस पर फ़ोटो चिपका लीजिए और फ़ोटो के नीचे उसी पेपर पर अपने सिग्नेचर कीजिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लॉक बना रखा है और दो ब्लॉक बना रखे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर वाले ब्लॉक में मान लीजिए हमने फ़ोटो चिपकाया है और जो नीचे का ब्लॉक है वहाँ पर हमें सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना ऑनलाइन स्टडी बाइट का फ़ोटो चिपका दिया है और नीचे ऑनलाइन स्टडी बाइट लिख दिया है। तो इन दोनों को मिलाकर, तो ये काम आपको A4 साइज़ के पेपर पर कर सकते हैं या किसी भी प्लेन पेपर पर कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर फिर स्कैन कर 20 KB से कम का साइज़ होना चाहिए। तो 20 KB से कम के साइज़ का रिसाइज कर इसको अपलोड कीजिए JPEG फॉर्म में और इसको अपलोड कर दीजिए। तो फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आपका जो फ़ोटो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यही तरीका होता है फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का। तो आई होप आप सब चीज़ समझ गए होंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका कमेंट का रिप्लाई देने की। और फिर उसके बाद टिक करना है यहाँ पर जिसमें लिखा है कि आपके द्वारा जो भी प्रविष्टियाँ भरी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पर टिक करेंगे और बाद में आपको ये कोड लिखना है। तो आप कोड लिखने से पहले एक बार ये जो ब्लैक एरोस दे रखे हैं इस पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है फॉर्म फिल करने में और इसकी वजह से ये हमारा जो फॉर्म है वो सेलेक्ट, जब हम कोड फिल करके सेव करते हैं प्रोसीड करते हैं तो वह प्रोसीड नहीं होता और फिर से सारी प्रविष्टियाँ हमें भरनी पड़ती हैं। तो आप क्या करें, प्रविष्टियाँ भरने के बाद इस पर क्लिक करें, तो जिससे कि ये आपका कोड है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप इस कोड को फिल करें, देन प्रोसीड करें, तो ये आपका जो फॉर्म है वो सही एक बार में भर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।